बढ़िया शॉट थी यार, ये तो मस्त झाड़ियों में छुप के बड़ा था, बढ़िया अमेजिंग शॉट थी है। ओ ये लगी शॉट इसको खोपड़ी पे, एक शॉट बढ़िया भाई, मुझे पता था यार से नहीं पड़ेगी। ओ यार क्या मस्त पड़ा यार ये सीरियसली। सो ऑलराइट गाइस, तो कल के एपिसोड में हमने खेला था स्नाइपर इलाइट 4, तो आज एपिसोड 2 है। जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा जाके जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला एपिसोड। हमने काफी बेहतरीन हमने स्नाइपर शॉट्स मारे थे, काफी बेहतरीन हमने ऐसे स्नाइपिंग की थी, मतलब मजा ही आ रहा था यार सीरियसली। तो वो जरूर वीडियो देखना, दिन ये देखना क्योंकि कंटिन्यूशन पार्ट है। तो कल हमने बहुत सारे नाजी को, दो चार को हमने मारना चाहिए था, हमने दो को मार दिया, आज हम दो को मारेंगे, फिर देखते हैं गेम में क्या मजा आने वाला है। क्योंकि ये गेम प्ले तो बहुत ही काफी एपिक सीरीज होने वाली है, तो एक सीरीज कंटिन्यू होगी तो जरूर देखना इस सीरीज को। तो चलो हम गेम को शुरू करते हैं। पहले मैं कंटिन्यू करता हूँ एज ए सिंगल प्लेयर, देन मैं कंटिन्यू कैंपिंग पे करता हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा चेक पॉइंट पे कल रोका था। तो लेट्स होप तो कल से गेम वहीं पे शुरू होगा, तो मोस्टली गेम को वहीं पे शुरू होना चाहिए। बाकी अगर इस गेम की बात मैं बताऊँ, कल मैंने बहुत सारे इस गेम की चीज़ें बता दिया था मैंने। ओ आई एम सॉरी, मैंने कुछ पुराना वाला गेम प्ले ओपन कर दिया, मैं उसको लोड करता हूँ कल से जो हमने स्टॉप किया था कल, राइट। तो आई गेस अपना हमें गेम प्ले यहीं से शुरू करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये रहा अपना गेम प्ले। अभी हमें एक कैमरा ने हम डिस्ट्रॉय किया है, फिर अभी दो कैमरे डिस्ट्रॉय करने हैं, फिर दो नाजी सोल्जर्स को मारना है हमें। फिर आप देख सकते हो बहुत सारे एनिमीज हमारे उधर पास हैं, तो आई गेस मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इधर कुछ अंदर है, मैं इसको देखता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था गाइस, आप पहले वो पहला वाला सीरीज़ देख लो, तभी आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, मतलब समझ आएगी विजुअली। बाकी एक गेम प्ले का अब ये देखो, जो भी ग्राफिक्स वगैरह है, जो टेक्सचर्स है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। पूरा ओपन वर्ल्ड गेम का यही फ़ायदा होता है, वो मज़े आ जाता है खेलने में। मैं गाइस ऊपर चलता हूँ धीरे धीरे से, बिकॉज नीचे अगर मैं पहले किल कर दूँ ऊपर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली वो तो होगा ही हर गेम में। एक बंदे को मेरे ऊपर शक आ रहा है क्योंकि वो बार बार इधर मुड़ मुड़ के देख रहा है, इसको मैं जाके चाकू से मारूंगा। ओफ, मतलब ये शॉट एक काफी जबरदस्त मारता है। और यहाँ पे एक बंदा है, मैंने देखा नहीं उसको, शिट बंदा है इधर, इसी आया। जाना पड़ेगा गाइस, दिक्कत हो गई क्योंकि मुझे दौड़ना पड़ेगा यहाँ से। इधर है इसको, मैं इसको पता नहीं शायद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। इन काफ़ी चीज़ों में क्या होता है ना, इंटेंस कंडीशन हो जाती है, कभी कभी पता ही नहीं चलता हमें क्या हो रहा है इधर। प्रेस होल्ड, वो तो मेरे ऊपर नेट डाल रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा एनिमीज को स्पॉट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक दो के बगैर मारना नहीं अच्छा लगता। मतलब डेफिनेटली यार मैं तो सफर जा रहा हूँ उसमें। डोंट थिंक सो, मुझे यहाँ पे कहीं पे एक ऊपर वाला ये मिल जाएगा, शायद मैं पे जा नहीं सकता। एनीवेज मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसकी खोपड़ी तोड़ते हैं, शॉट इसको खोपड़ी पे, एक शॉट बढ़िया। अब इधर वाला आ रहा है एक बंदा, दीजा बढ़िया, इसको तो मस्त मारा हमने।
बाकी गाइस आप कमेंट में मुझे बताते रहना कि गेम प्ले कैसा चल रहा है, मतलब और हमें इसको कैसे एक करें, मज़े से खेलें, ताकि मैं एक बार क्या करता हूँ ना, एक गेम को पूरा स्टडी करके देखता हूँ। इधर कोई देख रहा है मैं, इधर कोई देख रहा है ना, आई डोंट नो ये किधर पे है, मैं थोड़ा बॉइनर प्लस लगा के देखता हूँ। Best to deal with this one. ट्रक्स को मैंने तीन नाजी को मार दिया, फिर ट्रक्स को भी मैं मार देता हूँ क्योंकि अभी ट्रक्स को भी मारना जरूरी है। मजा आ गया खेल के यार, सीरियसली मस्त एनिमेशन दिया इस गेम में। थोड़ा सा कंट्रोलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक ही बार में ये यहाँ पे दो लोग भाग के आ रहे हैं, गेस उनको मेरे ऊपर शक हो गया है क्योंकि येलो में अगर आ रहा है तो इट्स लाइक दे आर सर्चिंग एनिमीज। मैं थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करके देखता हूँ। कोई है, कोई है, एक बंदा है इधर। सिविलियन व्हीकल, ठीक है। आई नो मैं बहुत ओपन में खड़के इनको स्पॉट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को मैंने पहले से ही देख लिया है, तो आई डोंट थिंक सो वो मुझे स्पॉट कर पाएंगे। बाकी मैं इसको मार दूँ तो मुझे आई डोंट थिंक इसको मैं मार सकता हूँ, मैं पहले पीछे होता हूँ। देखते हैं इसके ऊपर चल सकते हैं क्या। आई गेस नो, इसको मैं मार सकता हूँ बढ़िया शॉट थी यार, ये तो मस्त झाड़ियों में छुप के बड़ा था, एक बढ़िया अमेजिंग शॉट थी है। ये शॉट मस्त लगी मुझे क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था वो वहीं पे है, बट मैंने जैसे वो ट्रेस लगा वो देख के मार दिया तो उसको मस्त पड़ी, भारी पड़ी उसको। तो मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ जैसे धीरे धीरे, क्योंकि एक बंदा इधर है जिसको मैंने स्पॉट करके रखा था। करना पड़ी इसको, अगर मैं थोड़ा सा लेट करता ना ये बंदा मुझे मार देता सीरियसली। वैसे इनके पास लूट है, अभी कुछ लोगों को अपने ऊपर डाउट आ गया है क्योंकि बहुत सारे हमने नहीं लगाए थे, मतलब इसको उठा के मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा वरना इधर लोग आके देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इधर कोई मरा है। तो ऑलराइट, के पास कुछ देखते हैं लूटने, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि इधर बाजू में एक बंदा है, आई थिंक उसको इधर सामने ही बंदा है, ठीक है। अब मज़ा आएगा इन लोगों को नीचे से ऊपर से नीचे मारने में क्योंकि ये लोगों को पता नहीं, आइडिया ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहले यहाँ पर जाता हूँ, फिर देखते हैं इधर पे दो लोग हैं गाइस, आई डोंट नो ये लोग कहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ लग रहा है, बट आइडिया नहीं है मुझे। मैं बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं शायद। ये लोग नीचे हैं, मैं इनको मार सकता हूँ क्या? मैं इनको देखता हूँ मार सकने होगा या नहीं, आई गेस नहीं होगा इनको मारने क्योंकि ये लोग बहुत उधर अंदर हैं। एनीवेज मैं पहले इधर के लोगों को ख़त्म करता हूँ, फिर हम चलते हैं नीचे। अरे यहाँ पे कोई देख रहा है, अगर
अभी इसको हम गोटिया शॉट मारेंगे इसको, और इसको गोटिया शॉट ही मारेंगे। मतलब बहुत एक हॉरिबल सी सीन क्रिएट होती है अगर इसमें हम ऐसे खेले तो। एक बंदा आ रहा है, इसको मैं देता हूँ कुछ। ये आ जा क्यों रहा है भाई, आ जा ना, डरता क्यों है? बढ़िया। ओ गाइस नो नो नो, पीछे वाले मुझे स्पॉट कर लिया, पीछे वालों ने मुझे स्पॉट कर लिया, पीछे वालों ने मुझे स्पॉट कर लिया। कोई आइडिया नहीं है कि लोग किधर हैं। मैं देखता हूँ मुझे कहाँ स्पॉट, देखो 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 वो लोग मुझे वहाँ पे स्पॉट किए हैं, तो ज़रूर वो लोग भाग के आएंगे मुझे मारने के लिए। ये देखो नीचे वाले आ रहे हैं। इस गेम में ये एक चीज़ अच्छा दिया, जब भी मैं एक बार अगर मैं एनिमीज़ को स्पॉट कर लूँ तो वो मुझे ढूंढते रहेंगे यहाँ पे वहाँ पे। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ उसे कवर, आई गेस मुझे यहीं पे वेट करना चाहिए उन लोगों का, वरना मैं जाके अगर कुछ करूँ तो कहीं और से वो निकल के आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, रिलोड करके हम थोड़ा सा बैक पे आते हैं, क्योंकि अगर वो लोग आ रहे हैं तो देखेंगे। मैं इधर सिंगल एक बंदा है उसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। वेल गाइस आई गॉट ए फोन, तो मैं थोड़ा फ़ोन पे चला रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा बंदे नीचे क्या कर रहे हैं, मैं जबकि ऊपर हूँ। ये जब भी आप गेम थोड़ा सा पहली बार खेल रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा। मैं क्या सोचता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं पहले एक बार खेलता हूँ सेपरेटली, फिर हम मिशन को कंटिन्यू करते हैं गेम प्ले में। बट हाँ यार वही मैं चाहता हूँ कि मुझे नेचुरली रिएक्शंस अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा ये कर लूँ मतलब पहले ही खेल गया मैं पहले से सब देख लूँ। मैं इसको पूरा फोड़ देता हूँ इधर, पूरा फोड़ देता हूँ इधर, इसको छोड़ देना पूरा फोड़ देता हूँ। Escape from the island. ठीक है तो अपना मिशन कंप्लीट ही हो गया क्या? यहाँ पे एक बंदा आया, तो अपना मिशन कंप्लीट हो गया गाइस आई गेस। इसको भी चिपकाता हूँ। ओह यार मजा आया था यार इसको, मतलब गेम प्ले मतलब इतना खतरनाक है, इतना मस्त है, तो गेम प्ले खेलने में मजा। ओ आई गेस सब बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। एक बंदा यहाँ पे है, ये देख लेगा तो मुझे सबको बता देगा ये। ओह ये तो सबको बता दिया जाते। अरे बाप रे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से टूट जाऊँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इधर पे एनिमी को। आई मुझे पता था यहाँ से नहीं पड़ेगी। यार क्या मस्त पड़ा यार ये, सीरियसली सच में बता रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं था वो रनिंग शॉट में मार पाऊंगा या नहीं, बट अमेजिंग अच्छा पड़ा रनिंग शॉट अच्छा पड़ा। तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। मैं शायद कूद जाऊँ तो मर जाऊँगा। ओ ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घास फूस खा के आया था क्या? वेल डन, मैं थोड़ा सा भागना पड़ेगा। आज पता नहीं मुझे क्यों इतने सारे फोन्स आ रहे हैं, वरना यूजुअली मैं गेम के टाइम पे ज़्यादातर फोन्स अटेंड नहीं करता, या कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो तभी करता हूँ। शायद मुझे इधर कुछ यार इसमें पता है मैंने क्या नोटिस किया है, इसमें मैं अगर ज़्यादा देर के लिए भाग जाऊँ ना, तो यहाँ पे बंदा है
आई गेस हमें एक्चुअली मैंने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्टकट की तरह से यूज़ कर लिया है। मुझे पहले जाके उन ऊपर लोगों को मार के फिर ऐसे ऐसे नीचे जाना था, बट हमने थोड़ा सा उल्टा खेल लिया है। आज एक बड़ी शॉट इसको, रनिंग शॉट। पता है पबजी में भी, पबजी खेलने का मज़ा क्या है? तो यही है, पबजी में हमें पता चला था है थोड़ा सा भी अगर दिख जाए तो स्मैकिंग कर देना चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आ रही है। और बाकी मैं पबजी ज़्यादातर स्ट्रीम या गेम पे नहीं डालता हूँ, बाकी आप कमेंट कर दो, हम देखेंगे पबजी में भी स्नैकिंग करता हूँ मैं ज़्यादातर। आई मीन मैं ही थोड़ा ज़्यादा स्नैकिंग करता हूँ, बाकी मेरे दोस्त लोग हैं असॉल्टर्स। इसके आइलैंड पे नीचे जाना पड़ेगा, दो बंदे और भी हमारा वेट कर रहे हैं। Let me check guys, मैं उनको ऊपर से मार दूंगा, ऊपर से मारने में मज़ा आएगा थोड़ा सा उनको, क्योंकि अगर कोई और भी है तो मुझे दिख जाएगा। फिर मुझे आइलैंड से यहाँ पे निकलना पड़ेगा, आइलैंड से। ये मरा नहीं है, शायद मैं अगर यहाँ पे नीचे गिर जाऊँ तो मैं यहाँ पे रुक ना सकूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एनिमीस आ रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकी ना, बहुत गलती कर दी। अरे मैं थोड़ा पैनिक हो रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा पैनिक हो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। ऊपर से नीचे से यहाँ पे बंदा है, उसको मुझे पहले निकलना पड़ेगा, बंदा ये हमें फेंक देगा। दिख जा। मुंह में मारा इसको मैंने, मुंह में। ओके बढ़िया, चला मैं दवा चेंज कर। इतने स्मार्ट नहीं है जितना कि मैंने देखा, मतलब मैं यहाँ एक जगह से अगर कहीं और जगह पे निकल जाऊँ ना, थोड़ी देर ये सर्च करते हैं फिर वहाँ से निकल जाते हैं लोग, इतने स्मार्ट नहीं है लोग। बट मुझे क्या है, मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, और एक बंदा है उसको शायद निकालना पड़ेगा। ओह कहीं बीच में मैं ना फट जाऊँ, और दो बंदे इधर सारे हैं, मैं धीरे धीरे करके इधर से निकल लेता हूँ। बाकी यार पानी का रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ से, अच्छे यहाँ से। तो ये मिशन शायद यहीं तक समाप्त होता है, तो देखते हैं, मिशन शायद यहीं तक है। तो ओके गाइस, तो मिशन यहीं तक था, तो हमने पूरा 1 आवर तक खेला है कम्प्लीटली। इसको मैंने ज़रूर, अबे यार डिस्ट्रॉय था कैमरा, समय एक ही कैमरा डिस्ट्रॉय किया था, बाकी दो नहीं किए थे। ठीक है, हम देखते हैं, वो फिर से कभी कंटिन्यू करेंगे अभी। तो ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था, अभी हमने फर्स्ट मिशन कम्प्लीट कर लिया, सेकंड मिशन में देखते हैं और कुछ है हमारे पास चैलेंजेस, बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, तो ज़रूर आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि सीरीज बहुत ही कमाल की होने वाली है। फिर हम बीच बीच में थोड़े थोड़े से क्या जो क्रैक करेंगे, आप हंस लिया करो ना, कॉमेंट में बता दिया करो जो अच्छा नहीं लगा तो फिर दूसरा जो बना देंगे। तो फिल वेल डन, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर आप दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, फिर सब्सक्राइब कर दो, बस कोई सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर दो। बाकी बहुत सारे गेम्स हम खेलने वाले हैं, कॉमेंट में ज़रूर बताना कौन सा गेम हम खेलें नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय।